भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शेट्टी पे कमीशन लागू करने की मांग, न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल जारी। कन्हैया को नहीं आने देंगे श्रीगंगानगर, कलेक्टर से बोले संघ से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि। हनुमानगढ़ में तीज उत्सव, संस्कृति को साकार होते देख अभिभूत हुई महिलाएं। सुरेशिया में महिला की चोटी काटी, नागरिक लगा रहे रात को पहरा। आंदोलन की फैलती आग तो कहीं असंतोष की फूर्ति लावा। मौजूदा व्यवस्थाओं से आहत लोगों के सामने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए एकमात्र माध्यम है आंदोलन। हनुमानगढ़ में भी कुछ अरसे से आंदोलनों का जैसे दौर शुरू हो चुका है। मसलन न्यायिक कर्मचारियों के आंदोलन के अलावा SFI कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन को लेकर कुछ खबरें हम आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ दुर्गा मंदिर में महिलाओं के तीज उत्सव पर हमारा खास फोकस रहेगा। आपको दिखाएंगे उत्साह और उमंग से खिलखिलाते कार्यक्रम की कुछ झलकियां। साथ ही सुरेशिया में महिला के बाल काटने की घटना और उसके बाद नागरिकों की प्रतिक्रिया पर आधारित खबर भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही कुछ अन्य खबरें भी, बने रहिए स्काई चैनल के साथ। सबसे बड़ी खबर है कि प्रदेश की तरह हनुमानगढ़ जिले में भी न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इससे विभिन्न न्यायालयों में कामकाज बाधित है, मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही। न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक सरकार शेट्टी पे कमीशन लागू करने का ऐलान नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। पर हैं और सभी न्यायालयों के पूर्णतः तालाबंदी हो चुकी है, कहीं किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। जस्टिस सेठी की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2003 से हमें मुताबिक रिपोर्ट सिफारिश अभी तक कोई वेतन भत्ते हमें प्राप्त नहीं हुए, जिसके कारण सभी न्यायिक कर्मचारी संघ के अंदर उनकी जो है वर्तमान में सामने अवकाश चल रहे हैं और सभी न्यायिक कर्मचारी के अंदर असंतोष है कि उनको रिपोर्ट अनुसार उनके वेतन भत्ते अभी तक प्राप्त नहीं हुए। सभी कर्मचारीगण की ये भी मांग है कि उन्हें अन्य कर्मचारियों के मुकाबले हायर पे स्केल हर वर्ग से प्राप्त होने चाहिए और सभी कर्मचारीगण की ये भी सामूहिक मांग है कि न्यायिक कर्मचारीगण का 4 प्रकार से विभाजन होना चाहिए ABCD ग्रुप से, ताकि उनके वेतन भत्ते में बढ़ोतरी हो और उन्हें हायर पे स्केल प्राप्त हो सके। वर्तमान में अभी तक ऐसा कोई आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जारी नहीं किया गया है और हमारे साथी कर्मचारी जो प्रदेश स्तर पर है बार बार हाईकोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार को शांति से वार्तालाप करने के लिए उन्हें आमंत्रित भी कर रहे हैं। खुद भी हमारे जो है प्रदेश के नेता हैं वो आगे बढ़ करके इस आंदोलन को या सामूहिक अवकाश को समाप्त करना चाहते हैं ताकि संतोषजनक कोई हल निकल सके, लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है, जिसे हम सब कर्मचारी ये मानते हैं कि हाईकोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार इसके लिए पूर्ण तरह जिम्मेदार है। कार्यक्रम 13/7/2017 से और 19/7/2017 तक काली बांध का विरोध प्रदर्शन करना था, वो उस पर भी राज्य सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। उसके बाद हमने 20/7/2017 से और अब अनवरत लगातार रूप से जब तक हमारी संपूर्ण जो सिटी पे कमीशन की रिपोर्ट है उसकी अक्षर से पालना नहीं हो जाती, आगे अनवरत रूप से इसी प्रकार जारी हमारा सामूहिक अवकाश जारी रहेगा और हमें बड़ी गिलानी होती है कि आज
जब हम न्यायिक कर्मचारी हैं, हमें न्याय नहीं, समय पर न्याय नहीं मिलना मिल पा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना राज्य सरकार और माननीय राजस्थान हाईकोर्ट न्याय प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं, तो आम आदमी के लिए क्या न्याय मिल पाएगा। हमें बड़ी शर्मिंदगी फील हो रही है कि इस राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार की दोनों की मिली हुई हठधर्मता के कारण आज न्याय के मंदिरों के ताले लगे हुए हैं। हर वादी परवादी उपभोक्ता सबको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा प्रदेश के आह्वान पर ये अटल निर्णय है कि जब तक हमारे सिटी पे कमीशन की मांगे की सिटी पे कमीशन की रिपोर्ट की अक्षर से पालना नहीं हो जाएगी, एक भी कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में अदालत के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, चाहे इसके कुछ भी परिणाम हो, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। सरकार की नीतियों को लेकर सिर्फ न्यायिक कर्मचारियों में ही गुस्सा नहीं है, एसएफआई कार्यकर्ताओं में भी सरकार को लेकर रोष देखा गया। दरअसल राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में सरकार ने सीटों की संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन व्याख्याताओं की संख्या बढ़ाने में रुचि नहीं दिखाई, इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लिहाजा एसएफआई कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ सीएम का पुतला फूंका बल्कि सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। कि जिले का एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज होने के बावजूद भी यहाँ पे व्यवसाय का और अन्य विज्ञान शिक्षामी आदि के टीचर नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययन लेते हैं तो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और फिर वहाँ पर टीचर नहीं होने के लिए होने के कारण प्राइवेट सेक्टर में जाके उन्हें कोचिंग करनी पड़ती है, जिससे 6,000 रुपये वो लेते हैं खर्चा। इसलिए विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है और परीक्षा परिणाम भी बेकार रहता है, और हॉस्टल होने के बावजूद दूर दूर से यहाँ से जो विद्यार्थी आती है उनको भी निजी हॉस्टल में एडमिशन लेना पड़ता है। यहाँ पे हॉस्टल में 40 रूम है, फिर भी यहाँ पे एक भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता और ना ही हॉस्टल को शुरू किया जाता। कोई टीचर है ना क्लासें लग रही है अभी तक है, और आने के बाद यहाँ पे क्लासें तो शुरू अभी तक हुई नहीं है, लेकिन निजी और कॉलेज उनके अंदर क्लासें शुरू हो चुकी है, जिसके कारण हमें यहाँ पे बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। और टीचर है वो भी क्लासें यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, और फिजिक्स का लेक्चरर नहीं होने के कारण हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। उधर जेएनयू में छात्र संघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार 1 अगस्त को श्रीगंगानगर आएंगे, लेकिन आरएसएस से संबंधित संगठनों ने कन्हैया के राजस्थान दौरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो वे फिर अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। जेएनयू का पूर्व छात्र संघ कन्हैया कुमार जो कि अभी गंगानगर 1 तारीख को आ रहा है, उस पर राजस्थान गंगानगर ही नहीं राजस्थान प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए, और इसके लिए हमने उनको कारण भी बताए कि जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों से देश के विरुद्ध एक माहौल, जो भारत माता के जो अपराधी हैं उनके पक्ष में और देश की सेना के विरोध में जिस तरीके से एक माहौल वो तैयार कर रहा है, वह हमें बिल्कुल अखरा है, और गंगानगर की धरती पर ऐसे दुष्ट पापी को हम आने नहीं देंगे। तो कलेक्टर साहब को हमने ये आग्रह किया है कि या तो आप सरकार प्रतिबंध लगाए, या अगर सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती है तो हम अपने स्तर पे जो हो सकेगा वो करेंगे और उसको रोकने का प्रयास करेंगे। देश में ऐसे विचारधारा के लोगों की जरूरत नहीं है जो अफजल जैसे आतंकी का समर्थन करें और सेना के बारे में अपमानपूर्वक बातें कहें, ऐसे लोग हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा है,
और इसका मतलब ये नहीं है, हमारे लिए अब्दुल हमीद भी उतना ही प्रिय है जितना कि मेजर शैतान सिंह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई किसी समुदाय विशेष के या संप्रदाय विशेष के विरुद्ध है। हम विरुद्ध उसके हैं जो देश के विरुद्ध काम कर रहा है। अफजल गुरु ने देश के विरुद्ध काम किया, हम उसके विरुद्ध थे। इसी तरह कन्हैया कुमार देश के विरुद्ध काम कर रहा है और हम उसके विरुद्ध हैं, और उसको गंगानगर की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। ये हमारा चैलेंज है उसको। हनुमानगढ़ जिले में अगर सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है तो इसमें टेम्पो चालकों को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऑटो टेम्पो में 6 सवारियों की परमिट के बावजूद बिठाते हैं तो कम से कम 10 सवारियां। ऐसे में जरा सी लापरवाही पर जब हादसा होता है तो उसमें जान माल का नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा यातायात पुलिस ने सड़क हादसों की संख्या घटाने के लिए हर मुद्दों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। यातायात पुलिस प्रभारी अनिल कुमार चिंदा टाउन जंक्शन रोड पर नाका लगाकर खड़े हैं और अपनी टीम के साथ वाहनों की को रोकने के लिए चालकों को इशारा करते हैं। कुछ चालक भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जबरन रोककर समझाया जाता है, कागजात देखे जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि ओवरलोडेड वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खास बात है कि इस अभियान का असर देखा जा रहा है टेम्पो चालकों पर। थ्री वे व्हीकल चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये काफ़ी समय से अभियान चल रहा है हनुमानगढ़ में कि ओवरलोड जो भी वाहन है उसमें अधिक सवारी नहीं भरेंगे और जो थ्री व्हीलर में जितनी सवारी पास की गई है डीटीओ द्वारा उतनी ही सवारी रखेंगे। इनसे पहले भी मेरे प्रधान से बात हुई थी मेरी, लेकिन आज देखने को आया कि काफ़ी सवारियाँ भरी हुई थी, इनके खिलाफ अभियान जारी चल रहा है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बीबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीए, एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एमकॉम, एबीएसटी, एमए ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हिंदुस्तान अपनी गौरवशाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। हर महीने आने वाले त्योहार हमारे जीवन में उत्साह का संचार करते हैं, जीने की उम्मीद जगाते हैं। सावन में तीज का अपना महत्व है, लिहाजा महिलाओं ने प्रकृति के अनुरूप फूलों से श्रृंगार कर तीज उत्सव मनाया। आइए आपको ले चलते हैं दुर्गा मंदिर, जहाँ उल्लास का माहौल देखते ही बनता है। Yeah.
चिल्ड्रंस पार्क में सभी फुल एंजॉयमेंट के साथ में, फुल मस्ती के साथ, बहुत सारी प्रतियोगिताओं के साथ में इकट्ठे हुए हैं। झूला झूलना, रस्सी कूदना, हाउजी गेम खेलना, भगवान की पूजा साथ में, जिसमें पार्वती माँ की पूजा है। आज विशेष त्यौहार इसीलिए, तीज का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है कि माँ पार्वती ने 107 जन्म बाद में भगवान शिव को प्राप्त किया। आज के दिन पार्वती जी की जो शादी हुई थी उसलिए आज तीज मनाई जाती है, और तीज के साथ हम सारी बहनें इकट्ठी करके फुल मस्ती फुल मजा हार श्रृंगार के साथ में पूरे चूड़ी पहनना श्रृंगार करना ये सारा आज के दिन किया जाता है, और हम लोग सारा अपनी फुल एंजॉय कर रहे हैं। जैसे झूला झूलना, रस्सी कूदना, झूला जैसे हम लोगों ने झूला पीछे हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया है। एक्चुअली हमेशा ही यहाँ पार्क में हर ओकेजन पे बड़ा अच्छा फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है, तो सोचा क्यों ना इस बार तीज का भी सेलिब्रेट किया जाए। तो हमारी कॉलोनी की सभी लेडीज ने मिलकर के ये पूरे एफर्ट्स किए हैं इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, और होप सो सब लोग इंजॉयमेंट ले रहे हैं। ये कोई संस्था है आप लोगों की या वैसे ही? नो, कोई तो संस्था नहीं है, जस्ट गेट टुगेदर है, रोज मिलते हैं शाम को पार्क में, तो एक अच्छा है एटमोसफियर, दैट्स व्हाई वी एंजॉयड अ लॉट। फूलों का महत्व माना जाता है ना सावन में, फूलों का श्रृंगार, इसलिए ये फूलों का श्रृंगार किया गया। ठीक है, तो ये फूलों का ही सब कुछ, कंगन वगैरह, कंगन हाथ फूल, कमरबंद, बाल का जो भी है, सब फूलों का श्रृंगार है। चलिए, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो भगवान हमारी इस तरह हर बार ऐसे ही तीज बनाते रहे, हम ऐसे ही खुश रहे और लोग भी इसमें इकट्ठे हुए हमारे साथ। महिलाओं में उत्साह से जुड़ी खबर के बाद रुख करते हैं उस खबर की तरफ जिसको लेकर खूब सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं। दरअसल दुनिया 21वीं सदी में पहुंच चुकी है और इंसान चांद तक, लेकिन अशिक्षा और अंधविश्वास की गहरी पैठ के कारण आज भी देश में लाखों लोग भूत प्रेत और रूहानी ताकत की बातों पर यकीन करते हैं। सुरेशिया में एक घटना हुई जिसमें बाकी जगहों की तरह एक महिला के बाल काटे गए। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई और वह बोल नहीं पा रही है। निर्मला पत्नी महेंद्र सिंह निवासी वार्ड नंबर 41 हनुमानगढ़ जंक्शन। सुरेशिया क्षेत्र की यह महिला अपने परिवार के साथ रात गहरे नींद में थी, अचानक चौंकी और चीख पड़ी। जब पति महेंद्र ने संभाला तो महिला ने बाल कटने की बात बताई और फिर बेहोश हो गई। महेंद्र ने फौरन आसपास देखा लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा और न ही मिला। फिर पड़ोसियों की भीड़ आ गई, रात भर वार्ड में पहरे लगाए गए। बुढ़िया इसके पास नहीं थी तो ये गए बाल काट लिए, बाल काट लिए, उठा तो देखा मगर बाल नहीं कटे, कभी नहीं कटे। उसके बाद बेहोश हो गई, मेरा पड़ोसी आ गया, पड़ोसी आने के बाद मैं कहते बाल कट गए, वहाँ नहीं कटे, फिर हाथ मार गिर कहती ये मेरे बाल कट गए, हाथ में बाल देखे, हाथ में बाल थे, उसके बाद बेहोश हो गई थी। फिर आप नहीं डॉक्टर के पास लेके गए? डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने मानगढ़ शहर में ये 3-4 वारदातें हो चुकी है। जो हमारे वार्ड नंबर 41 में ये वारदात हुई है, और ये निर्मला नाम की लेडीज है, महेंद्र सिंह इसका घरवाला है, और ये पूरा परिवार सोया पड़ा था, और एक साथ पूरा परिवार होने के बाद सारा घर भी चारों तरफ से बंद था, और एकदम ये घटना घटी है। अभी बाल इसके खींचे गए, एकदम ही इसको अज्ञात
किसी का वास हुआ है, लेकिन पता नहीं लग पाया अभी कौन था। उसके बाद एकदम ये बेहोश हो गया और अभी तक इसको पूर्ण रूप से होश नहीं आ पाया है। सारा पड़ोसी भी सब जाग चुके थे, कोई ऐसे व्यक्ति संदिग्ध नहीं मिला। हमने वार्ड में भी सर्च चलवाया, रात को हमारे नौजवानों ने, वार्ड के लड़कों ने यहाँ पे मतलब गश्त भी की थी, एक मोहल्ले के अंदर पूरे 10-15 लड़कों ने पेरा लगाया गया और हमारे वार्डवासी काफी सजग रह रहे हैं और आज भी हम लोग सजगता के साथ चलेंगे। लेकिन मैं प्रशासन के माध्यम से मैं ये आगाह करना चाहता हूँ, यदि इसके पीछे कोई ऐसा सामाजिक तत्व है या ऐसी कोई मतलब कि शरारती तत्व है या कोई तांत्रिक विद्या या कुछ कोई कुछ भी है, उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए ताकि आम जन में जो भय का माहौल बन रहा है वो दूर होए और लोगों में शांति का माहौल बने और हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी बहनें और हमारी जितनी भी हमारी माँ बहन बच्चियाँ हैं, ये सुखद और प्रशासनिक छत्र छाया में अपना जीवन यापन करें। और गटका को मेरे हिसाब से समझ रहा हूँ कोई ऐसी चमत्कार नहीं है, जो ऐसा है किसकी हाथ की सफाई का है जो एक घटना हो रही है, ऐसी चमत्कार नहीं है। तो मैं इसी भी प्रशासन जो है उनकी जिम्मेवारी है इसकी जांच करे, जो जनता का वहम है दूर कराया जाए। फैल रही है कभी ये बाल काटे जा रहे हैं, ठीक है, दिखाई नहीं दे रही जो बाल काट के जा रहे हैं जो, बस यही घटना फैल रही है। मोहल्ले वाले डरे हुए हैं, मोहल्ले वाले कह रहे हैं ये क्या घटना है, ये कोई चीज दिख रही भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है, कोई हवा सी आती है और बाल काट के चली जाती है और उसका पता नहीं चलता। इंसान तो वो प्रशासन भी ये कह रही है इंसान तो उसको पकड़े, हवा का क्या पकड़ा जाए। बाल काटने की घटनाओं को लेकर अंधविश्वास का फैलता जाल प्रबुद्ध वर्ग को चिंता में डाल रहा है, लिहाजा स्वामी दयानंद मेमोरियल उच्च प्राथमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। अध्यक्ष कृष्ण नेहरा ने विद्यार्थियों को इस तरह के अंधविश्वासों से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जादू मंत्रों पर भरोसा करने का मतलब है आप भगवान की सत्ता को कम आंक रहे हैं। अंधविश्वास आदमी को अंदर से कमजोर कर देता है। जो भी यदि आप घर से शकुन देख के चलते हो या किसी अंधविश्वास पर भरोसा करते हो, जैसे इस चौराहे से नहीं निकलना, उस चौराहे से नहीं निकलना, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह कि आपका भगवान पर से विश्वास कम हो जाता है। जैसे हम ये मानने लग जाते हैं कि भाई भगवान के अलावा भूत प्रेत भी होते हैं, तो हम लोग भगवान को पूजना तो छोड़ देते हैं और भूतों और प्रेतों को ज्यादा मानने लग जाते हैं। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और ये अंधविश्वास कुछ भी नहीं है। आप कोशिश करो, बड़े होकर इस चीज को समझो और अपने अड़ोस पड़ोस में यदि इस तरह की कोई अफवाह फैलती हो तो आप उनको जाके बताएं, समझाएं कि ऐसी कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ अंधविश्वास है और लोग जानबूझ के झूठ बोलते हैं। बहुत सारे लोग कुछ मानसिक रोगी होते हैं, आप उनको ये कह दो जाके, अभी मैंने समझाया था, अभी अपने पड़ोस में चुड़ैल देखी थी, वो भी कहते हैं मैंने भी देखी थी। तो या दिन में कभी भी सोते हुए औरतों के बाल काट दिए जाते हैं, माना यह जाता है कि ये काम कोई ऐसी रूह कर रही है या चुड़ैल या भूतनी इसको कहते हैं वो कर रही है। मेरा ये मानना है कि अंधविश्वास से आदमी अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है। आप जितने ज़्यादा अंधविश्वासों पर ध्यान दोगे उतना ही आपका जीवन नरक बनता चला जाएगा। और कृपया छोटे बच्चों को इनसे बहुत दूर रखें, क्योंकि उनको अभी बड़ा होकर देश का एक जिम्मेवार नागरिक बनता है। आज का समय विज्ञान का युग है, ऐसी बातों का नहीं है। और मेरी सोशल मीडिया वालों से भी एक निवेदन है कि वो बिना सोचे समझे ऐसी बातों को दूसरों को सेंड नहीं करें। आप स्वस्थ सोच रखिए। मेरा एक और मानना है कि हम सब लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और जब ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो ऐसी चीज़ों पर विश्वास करने से हमारा विश्वास दिखता है, यानी कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, ईश्वर नहीं मजबूत होकर दूसरे जो ये रूह होती है वो मजबूत होती है, ऐसा नहीं है। इसलिए अंधविश्वास नहीं मानकर हनुमानगढ़ टाउन स्थित वार्ड नंबर 23 में एक सीसी रोड निर्माण कार्य शुरू हुआ। सभापति राजकुमार हिसारिया ने इसकी शुरुआत की, इसकी लागत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। सीसी रोड निर्माण कार्य शुरू करने पहुंचे सभापति राजकुमार हिसारिया, भाजपा नेता में सहू और पार्षद सेवाराम नागर आदि ने शहर के विकास के प्रति वचनबद्धता दिखाई। उन्होंने कहा कि नगर परिषद स्तर पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। पार्षद सेवाराम नागर के मुताबिक सड़क के निर्माण पर करीब 5 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। आज का था 4,95,000 की सड़क है, ये उत्तम पैलेस के सामने 21 नंबर गली है, उस गली का कार्य सीसी रोड का कार्य है, वो काम चालू किया है। अमित जी ने, चेयरमैन साहब ने उद्घाटन किया है, इसके लिए लोगों की डिमांड थी, कई दिनों से चल रही थी, काफी पुरानी डिमांड थी, वो आज सभी का सपना साकार होने जा रहा है। हनुमानगढ़ शहर में विकास कार्य प्रभावित होने का दंश सिर्फ आम जनता नहीं झेल रही बल्कि पार्षद और सभापति को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि अब तो बोर्ड से सभापति और पार्षद के नाम तक मिटाए जाने लगे हैं। देखते हैं रिपोर्ट।
वार्ड नंबर 23 की गली नंबर 23 में कुछ लोग इस तरह झगड़ रहे हैं पार्षद सेवाराम नागर से। नागरिकों की शिकायत है कि पिछली बार चुनाव के वक्त नागर ने सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन कुछ नहीं किया। जबकि 3 साल भी पूरे हो गए, विधायक और एमपी से मिलना होता नहीं तो पूरा जोर पार्षद पर लगा देते हैं। जब पार्षद से कहने का भी असर नहीं हुआ तो फिर नागरिकों ने सरकारी बोर्ड पर अंकित सभापति और पार्षद के नाम को भी हटा दिया, मिटा दिया। चलिए, इसी बहाने गुस्सा थोड़ा कम तो हुआ। पार्षद का घेराव क्या है जी, ये रोड जो है ना, ये करीबन 700 फुट के लमसम है, तो इसकी आधी तो बना दी वन साइड में, रोंग साइड में, उल्टे साइड से बना दी, और आधी जो है अभी तक बकाया पड़ी है। और ये हम 2 साल से 2.25 साल से करीब करीब ये आवाज़ उठा रहे हैं सारे ये बाढ़ के, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा। सबके पास हम जाए, राजकुमार हिसारिया के पास जाए, इस पार्षद को बार बार कह रहे हैं, और भी हमें कोई दाएँ बाएँ जो भी है, यही समस्या है, इसलिए कर रहे हैं सर। करें क्या, जिस टाइम ये बाढ़ पंच में खड़ा हुआ था तो ये समस्या रखी थी भी हमारी सड़क बनने वाली है, तो ये बात इस बार से ने कहा कि मैं सबसे पहले सड़क बनाऊंगा और उसके बाद में आप मेरे को वोट दो, मैं ये काम करूंगा, प्राथमिकता दूंगा कि मैं, आज तक नहीं बन रही है। वोट से नाम तो क्या करें, तो हमें लोग दुखी हो गए और क्या करें, नाम तो बड़ों बड़ों का मिटा देते हैं, इंदिरा गांधी तक मार जाते हैं, बड़े बड़े महान जो हुए हैं आज देश में उनका भी नाम मिटाया जा रहा है। इंसान जब परेशान होता है, दुखी होता है, तो वो नाम मिटाता है, और तो कोई जोर नहीं चल पाता। इच्छा तो हमारी ये है जी कि हमारी ये सड़क बननी चाहिए। जब इन्होंने वोट मांगने के लिए आए थे तो हमने सबसे पहले हमारी समस्या रखी थी कि हमारी सड़क बने, तो उसको आज 2 से 3 साल हो चुके हैं लेकिन हमारी समस्या का अभी तक हल नहीं हुआ। बारिश इतनी हो जाती है कि इसमें मतलब कि थोड़ी बरसात में भी मतलब इतना एक एक फुट दो दो फुट पानी खड़ा हो जाता है इसमें, और गड्ढे इसमें, और कई बार तो क्या होता है कि मोटरसाइकिल या पैदल चलने वाले उसमें गिर जाते हैं उसमें, तो हम तो उसमें ये चाहते हैं कि हमारी ये सड़क बन जाए। तो अब एक्शन ये लिया है कि ये भी टेंडर ये आज लगाएंगे उसको, तो देखते हैं ये कब लगता है। दूसरी तरफ जब पार्षद सेवाराम नागर से कहा, पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि लोगों का विरोध उचित ही है, अधूरी सड़क बनाई गई और अब ठेकेदारों की हालत खराब है, न सिर्फ मलाई वाला ही काम करना चाहते हैं वे। जब उनसे बोर्ड पर नाम मिटाने वाली बात पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि नाम मिटाने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा को भी तो गालियां पड़ती हैं। मांग क्या है कि पिछली बार के जो वार्ड के जो काम लग रहे थे 4-4 लाख रुपए के, जब वो आधी सड़क बन गई, आधी बीच में 2 टेंडर कैंसिल हो गए, उसके 2 बार टेंडर लगे, दोनों बार के बिलों में ठेकेदारों ने काम ले लिए, तो काम वो बाद में किया नहीं, क्योंकि मड़ाई वाला काम होता, काम कर देते हैं वो, बाकी काम करते नहीं ठेकेदार, इसलिए वो काम नहीं किया। लोगों का विरोध तो है ही, कभी गली नहीं की, हम तो नाम तो उसमें मिटाए से कुछ नहीं होता, राजा को भी गाल निकालते हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। हर नागरिक कुछ युवाओं ने अब अपनी शक्ति का सदुपयोग करने का मानस बनाया। उन्होंने नेहरू युवा मंडल नामक संगठन बनाकर शहर के सौंदर्यकरण को लेकर योगदान देने का फैसला किया है। इसके तहत उन्होंने सभापति से भी चर्चा की है। नेहरू युवा मंडल के सदस्यों की बैठक में शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने का निर्णय किया गया। अध्यक्ष नरेश पंवार, उपाध्यक्ष आफताब खां और कोषाध्यक्ष फिरोज खां आदि ने कुछ पार्कों को गोद लेकर सुंदर बनाने की प्लानिंग की है। इसके लिए उन्होंने सभापति राजकुमार हिसारिया से बात भी की है। मॉडल के तौर पर एक पार्क गोद लेकर काम किया जाएगा और फिर बाकी वार्डों में इस प्रयोग को दोहराया जाएगा। बेरोजगारों की लंबी फौज, ऐसे में जब कोई भर्ती खुलती है तो युवाओं के चेहरे जैसे खिल जाते हैं, मन में सुनहरे ख्वाब को लेकर जैसे ख्वाब जवान हो जाते हैं। कोर्ट में एलडीसी लगाने के लिए भर्ती खुलने पर भी युवाओं में उत्साह देखा गया। इसका प्रमाण है कि जब परीक्षा हुई तो अभ्यर्थियों में संतोष का भाव था। राजकीय फोर्ट स्कूल से निकल रहे युवाओं में कई ऐसे हैं जिन्हें हम भविष्य का एलडीसी कह सकते हैं। दरअसल एलडीसी के लिए परीक्षा हुई जिसमें काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उन्होंने पेपर बढ़िया होने की बात कही, साथ ही उम्मीद जताई कि सब कुछ बेहतर होगा। पेपर बहुत अच्छा हुआ है,
किस तरह के क्वेश्चन आए इसके अंदर? मीनिंग्स वगैरह ज़्यादा थे और जीके तो बिल्कुल नहीं था। और जैसी तैयारी की थी उसी का अकॉर्डिंग? हाँ बिल्कुल, तैयारी अच्छी की थी और पेपर भी अनुकूल आया था उसके, तो पेपर बहुत अच्छा हुआ, पेपर अच्छा हुआ है, बाकी देखो क्या बनता है। और बढ़िया हुआ है पेपर, और पेपर जितना जी भी है और ज़्यादा दिन भी नहीं है, और पेपर लेवल के अनुसार बहुत अच्छा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, रोजाना देखते रहिए समाचार, नमस्कार।